तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल इन्वायमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल इज नॉन एज एक आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति प्रभावी ढंग और कुशलता से काम करता है उसे हम कहते हैं कॉर्डिनेशन समन्वय डेलीगेशन सौंपना मैनेजमेंट प्रबंध या फिर प्लानिंग योजना तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा इंटरनल इन्वायमेंट बनाया जा रहा है यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई कंपनी है उसके अंदर एक ऐसा

प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवाइट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप्स इफेक्टिवली एंडियंटली एम्स तो क्या है कि उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऐसा इन्वायमेंट डिजाइन किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर जो इंडिविजुअल ग्रुप में काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशियंटली अपने काम को करते हैं जिससे कि जो गोल है वो जो कॉमन गोल होता है वो अचीव हो सके तो यहाँ पर कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज समन्वय क्या है तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि जहां पर जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को एक साथ मिलकर काम करने के लिए वहां पर मोटिवेट करते हैं जिससे कि जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके भाई अलग अलग नेचर के एम्प्लॉय हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के अलग अलग जो है वहाँ पर बिहेवियर के एम्प्लॉज होते हैं तब उनके बीच में कॉर्डिनेशन करना जरूरी है इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है तो इन डिपार्टमेंट के

टू इसे ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज दी तो योजना क्या है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्रबंध का प्राथमिक कार्य है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्रबंध का अंतिम कार्य है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है नन ऑफ दिस तो प्लानिंग क्या है देखिए प्लानिंग सभी को पता है कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है पांच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दे कूंस एंड ओ डोनल ने जो ये पांच वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था यानी कि ज़्यादातर जगह पर अलग अलग कंट्रीज में यही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है क्लियर तो कुंज एंड ओडोले ने पांच फंक्शन बताए थे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो ये क्या है ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का कौन प्लानिंग तो ऑप्शन वन ये जो है कैट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर तो प्लानिंग क्या होता है सभी को पता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू हाउ टू डू यानी कि फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है कैसे क्या करना है ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड कर लेना ही प्लानिंग कहलाता है तो ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज कार्य सौंपना डिपार्टमेंटेशन विभागीकरण डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण अधिकृत संबंध स्थापित करना देखिए की की आप सभी को पता होगा तो Theo ने organizing एक इिंगशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ दाइज एंड स्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप एमॉन्ग देश इन परफॉर्मिंग दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइंस डिपार्टमेंटलाइज एंड असाइन एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि एक एम्प्लॉई और दूसरे इम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन होगा कौन किसका बॉस होगा कौन किसका सुप्रियो होगा कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा ठीक है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी क्या रोल्स होंगे कौन सी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में किस डिपार्टमेंट में कौन इंप्लॉई काम करेगा किसके अंडर काम करेगा ये सारी चीजें जो है कहां पर होती हैं ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ही होती हैं लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये ये ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होता है डिसेंट्रलाइजेशन किसके हाथ में होता है टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है टॉप मैनेजमेंट चाहे तो वो डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर सकता है अपने लोअर लेवल पर लोअर सब को या फिर ना करें अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज वहीं पर टॉप मैनेजमेंट अगर डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल को भी पास ऑन कर देता है तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं होता है तो ऑप्शन थ्री डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि कौन पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बाकी ड्यूटीज को असाइन करना डिपार्टमेंट क्रिएट करना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करना ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये पार्ट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है वॉक इन इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय या फिर ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी तो देखिए रिक्रूटमेंट के अलग अलग मेथड होते हैं तो किसी में जो है आपको पैसे वहाँ पर पे करना पड़ता है कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को वहीं किसी में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है कैंडिडेट मिल जाते हैं क्लियर जब कंपनी को इंप्लाईज चाहिए होती हैं तो वो क्या करते हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती हैं तो अब वो एक मेथड हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट दें तो न्यूज़पेपर में या फिर किसी मैगजीन में जब वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वहाँ पर उनको न्यूज़पेपर को या फिर मैगजीन को वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं तो वहाँ पर उनका पैसा खर्च होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि जहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं होता है और उनको आसानी से कैंडिडेट मिल जाते हैं तो उनमें आते हैं वॉक इन इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि यहां पर जो कैंडिडेट होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है वो खुद ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं वहां पर इंटरव्यू देते हैं या फिर जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है या फिर रिजेक्शन होता है तो वॉक इन इंटरव्यू जहां पर कैंडिडेट अपने आप चल के आ रहा है आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए कैंपस प्लेसमेंट जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है वो खुद जाते हैं कॉलेजेस में और वहां पर जाकर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहां पर जिन जो कैंडिडेट जिनको जॉब चाहिए होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद फिर वहां पर जो जहां पर भी जिस भी कंपनी में वैकेंसीज होगी तो वो गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहां पर उनको रेफर कर देंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है तो यहां पर अगर आप देखें तो तीनों ही क्या है ये तीनों ही मेथड लीस्ट एक्सपेंसिव है कम खर्चीले वाले हैं रिक्रूटमेंट के तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज अगर इनमें से भी सबसे कम एक्सपेंसिव की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो सबसे कम एक्सपेंसिव होता है यानी कि वहां पर कुछ करना ही नहीं है कैंडिडेट अपने आप चला आ रहा है आपको अपने ऑफिस में बैठना है वहीं पर इंटरव्यू ले लेना है अगर इसको देखें तो वॉक इन इंटरव्यू पर सबसे कम खर्चीला होता है क्या कहलाता है समायोजन ओरिएंटेशन यानी, 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 यानी अभिविन्यास देखिए होता क्या है कि जब कोई कंपनी को इंप्लाई रिक्वायरमेंट होती है यानी कि उनको कैंडिडेट चाहिए किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहले वो क्या करते हैं रिक्रूटमेंट करते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कैंडिडेट जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं उनको इस्टमुलेट करना कि वो आपके यहाँ आप पे जो भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें बस यहाँ तक रिक्रूटमेंट होता है उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आती हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करके रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करके इंटरव्यू कंडक्ट करके फाइनल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है क्लियर सिलेक्शन के बाद क्या होता है वहाँ पर इंडक्शन होता है इंडक्शन में क्या होता है कि जो नया कैंडिडेट आया है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर एम्प्लॉयज़ से कल्चर से

जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन वन क्यों क्योंकि यहां पर आप चूज कर रहे हो राइट right पर्सन को राइट right जॉब के लिए इंडक्शन में क्या होता है इंडक्शन में यहां पर जो है आप जो भी नया कैंडिडेट आया है उसको इंट्रोड्यूस करते हो इंप्लाईज से जो भी कंपनी के अदर एम्प्लॉय हैं उनसे कल्चर से कंपनी के कल्चर कंपनी की पॉलिसीज कंपनी के प्रोसीजर से उसके बारे में बताया जाता है उसको हम इंडक्शन कहते हैं वहीं पर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो नया कैंडिडेट आया है उसको जो है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस एम्प्लॉय को क्या जॉब परफॉर्म करना होगा उसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसके बारे में बताना ये ओरिएंटेशन कहलाता है क्लियर और सिलेक्शन सिलेक्शन मींस चूजिंग सेलेक्ट कर रहे हो ना सेलेक्ट कर रहे हो चूज कर रहे हो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ कार्य करने की सुविधाजनक स्थिति प्रदान करना और गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करना किसका कार्य है टॉप लेवल का मिडिल लेवल का सुपरवाइजिंग लेवल का या फिर सभी का देखिए टॉप लेवल की बात करें तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना इन्वामेंट को चेक करना और डिसीजंस को लेना प्लान बनाना डिसीजंस लेना ये टॉप मैनेजमेंट का काम हो गया वहीं पर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें मिडिल लेवल की तो वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं वो जो है टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन वहीं पर अगर हम लोअर लेवल पर आएँ यानी कि सुपरवाइजर लेवल पर आएँ तो उनका काम होता है एक्टिविटी को कॉर्डिनेट करना जो है मिडिल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहना तो यहाँ पर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जहाँ पर जो है एम्प्लॉई अच्छे से काम कर सकें वो होता है ऑप्शन थ्री सुपरवाइजिंग लेवल पर्यवेक्षण स्तर का क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वर्कर्स के वर्कर्स को कैसा इन्वॉल्वमेंट चाहिए काम करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए वो सब सुपरवाइजिंग लेवल को पता होता है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो है एक अच्छा वर्किंग कंडीशन जो है वहां पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा संगठन सचना का प्रकार नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखी संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कार्यात्मक संगठन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखी और स्टाफ संगठन या फिर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप है जिसमें कि फ्लैट आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है लाइन ऑर्गैनानेशन स्ट्रक्चर आता है फंक्शनल आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनेशन भी आता है लेकिन फ्लेक्सीबल ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा टाइप नहीं है तो ऑप्शन फोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोचपूर्ण संगठन ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज जनरल गाइडलाइंस फॉर तो प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं यानी कि वो किस चीज में आपको हेल्प करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस चीज के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए निर्णय हेतु तो मैनेजर एक्शन के लिए प्रबंधकी कार्य हेतु तो दोनों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं तो बट अवश्य बात है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं और मैनेजर्स को क्या एक्शन लेने चाहिए किस सिचुएशन में उसमें भी आपको जो है वो हेल्प करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री बोथ वन एंड टू यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर एक्शन बोथ क्लियर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे यू ऑल कीप की